I think Peshawar and Zalmi should blame themselves right from the start, picking the team. आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन की है और फिर टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग कर ली. हालांकि अगर आपकी स्ट्रेंथ आपने बॉलर दो ऐड किए हैं, दो बैट्समैन आपने कम किए हैं, तो असूलन तो फिर आपको बैटिंग पहले करनी चाहिए थी. और जो चेंजेस भी किए हैं वो भी कुछ समझ में नहीं आए. खाली अगर सात बॉलर खिलाने से आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इस तरीके से तो फिर कभी भी नहीं होता. आपके जो पाँच बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग करनी है और अच्छी बॉलिंग करनी है. फिर उनकी यूटिलाइजेशन, जिसने दो में 15 पे दो विकेटें लिए हैं उसने दो ओवर किए हैं. मिसबा, यू आर स्पॉट ऑन. दे वन लास्ट थ्री गेम्स विद द सेम कॉम्बिनेशन. सेम कॉम्बिनेशन जब इतनी ज़्यादा चेंजेस करेंगे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे, बीच में बैट्समैन नए आएंगे और हसीबुल्ला को ना खिलाना, मुझे लगता है कि अगर आपने बॉलर ऐड ही किया था तो फिर वॉल्टर की जगह पर आपको या तो आसिफ को खिलाना चाहिए था छः प्रॉपर. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है ओवरथिंक कर गए थोड़ा सा. और थोड़ा एक धचका उनको ये भी लगा, इनिशियल जो स्पेल था नसीम का, दैट वाज समथिंग आई थिंक विच चेंज द गेम. और रन आउट बाबर का, नॉर्मली उनकी ओपनिंग ऊपर से खेल जाती है तो ये सारे बैट्समैन हम शुरू में भी बात करें कि इफेक्टिव हो जाते हैं. तो आज वो नहीं हुए. तो नीचे वाली बैटिंग जब नए बॉल पर आई, थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशन टॉप क्लास बॉलर के सामने, तो वो बैटर्स जो है एक्सपोज हुए. और ये बाबर की 20वीं दफ़ा इन्वॉल्वमेंट है रन आउट्स में पीएसएल में और मोस्ट बाय एनी बैटर. What went wrong, Hafeez, there on that call for Babar? Was it back foot pe the and then all of a sudden? नहीं, मेरे से बनता है. Run out will, run out. Before ये अजहर की तरफ देखा मैंने जब run out. ये अभी ये अपने run out के फट्टे लेके बैठे हैं.